गुजरात में मानसून ने दस्तक दे दी है और यहाँ पर जल का तांडव देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद हो या सूरत, गुजरात के बड़े बड़े शहर बारिश की आगोश में आ गए हैं। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण सड़कें दरिया बन गई हैं। कई जगह सड़कों पर जलभराव की स्थिति के बाद लोगों को काफी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। वहीं आने जाने वाली गाड़ियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ियां तो सड़क पर ही पानी में डूबी दिखी। बाइक सवार और पैदल चलने वाले लोगों को काफी दिक्कतें आईं। सूरत में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव की स्थिति के बाद लोग काफी सतर्क दिखे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे लोग जलमग्न सड़कों पर संभल संभल कर चल रहे हैं। सड़क के किनारे कई दुकानों के पास पानी जमा होने से परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं कई जगह पर घरों में भी पानी घुस गया है। उधर गुजरात के सूरत के अलावा अमरेली समेत कई दूसरे हिस्सों में भी भारी बारिश हो रही है। अमरेली में भी कई जगहों पर बारिश के बाद पानी जमा हो गया। रायसी इलाकों और बाजार में जल जमाव से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गाड़ियों की आवाजाही भी कुछ हद तक बाधित हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण गुजरात में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम सक्रिय है। इसकी वजह से आने वाले 3-4 दिन बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में रविवार यानी कि आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुजरात के कई हिस्सों में अभी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जुलाई को वलसाड, साबरकांठा, अमरावली, महिसारगर, सूरत, नवसारी में काफी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। 2 जुलाई को भी नवसारी, वलसाड में भारी बारिश की संभावना है। मूसलाधार बारिश की संभावना को देखते हुए मछुआरों को फिलहाल समंदर में न जाने की सलाह दी गई है। लेकिन गुजरात में जिस तरह से बारिश कहर बन कर के आगे बढ़ रहा है और वहाँ के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, इसी के साथ ही लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ गुजरात में मौसम का यह प्रकोप बारिश ने बनाया है, दूसरी तरफ उत्तर भारत के कई इलाकों में अभी भी गर्मी का कहर जारी है। वहीं कुछ इलाकों में अभी भी मानसून ने दस्तक नहीं दी है। देखना होगा कि उत्तर भारत में जैसे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, यहाँ कब मानसून दस्तक देगी। किसानों को मानसून से काफ़ी उम्मीदें हैं। जिस तरह से इस बार भीषण गर्मी पड़ी है उससे कहीं ना कहीं मानसून आने के बाद राहत मिलेगी, लेकिन मानसून के दस्तक ने गुजरात में काफ़ी तबाही मचाई है और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गुजरात के इस जल तांडव पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।